हे गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण, आप मुझे देख रहे हो भूषण ग्रुप पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन हेडफोन्स के बारे में। अभी ये जो है ये है पेट्रॉन की तरफ से बास बर्ड्स, तो ये हमने परचेस किए। इसकी प्राइस जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं बताने वाला हूँ, और ये हेडफोन बहुत अमेजिंग है। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने यूज भी किया, लेकिन आपके लिए इसका अनबॉक्सिंग मैं एक और बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी इसे मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह से आता है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन से आप देख सकते हो, कनेक्टिविटी एडवांस वायरलेस है, 10 मीटर की इसकी ट्रांसमिशन रेंज है, और ये डिवाइस साइज जो है ये 10 मिलीमीटर का है। स्पीकर सेंसिटिविटी वगैरह इन्होंने देख रखा है। इसका जो इम्पीडेंस आता है वो 32 ओम्स है। बाद में फ्रीक्वेंसी देख रखा है, माइक सेंसिटिविटी, चार्जिंग टाइम जो है ये 1.5 आवर्स बता रहा है। स्टैंड बाई टाइम जो है वो 100 आवर्स का दे रहा है। टॉक टाइम आप लोग अगर इससे फ़ोन पे बात करना है तो आप आराम से 5 घंटे तक बात कर सकते हो। म्यूजिक प्ले टाइम जो 6 घंटे का बता रहा है, और इनकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, तो ऐसा आप देख सकते हो। तो चलिए अभी जैसे इस फाइनली से अनबॉक्स कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आता है। ये देखो, ये टूट गया है, रख देंगे साइड को, मतलब इस पे आता है। हाँ, तो ये कुछ इस तरह से आता है। तो हमें ये छोटा सा मैनुअल मिलता है, इस पे बस थोड़े बटन बताए गए हैं। ले पॉज कैसा करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, इसके अंदर तो आपको पहले मिलता है ये केस, मतलब अभी इस केस से आप इस ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हो। देखो, तो ये हमारे पास है ये ईयरबड्स। ये अभी मैं निकालता हूँ, ये पहला और ये दूसरा। तो इस पर भी लिखा है ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो इन्हें आपको इस तरह में ऐसा रखना होता है, ये लेफ्ट वाला और ये राइट, ठीक है। इसके साथ हमें मिलती है यूएसबी केबल, जिसे हमें बस यहाँ पे प्लग करना होता है कहीं कहीं। यहाँ पे प्लग करके इसे चार्जिंग को कर सकते हैं। और बाद में हमें थोड़े बहुत मिलते हैं इसके ये कनेक्टर्स, अगर आप लगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है। तो ये कुछ इस तरह से है। और अगर आपके ये डाउन हो जाता है तो आप बस इसे बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पे लाइट लगना ऑन हो जाता है, देख सकते हो लाइट्स। तो ये लाइट ऐसे ऑन होते हैं, मतलब ये चार्ज हो रहा है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप कंसिडर करो कि आपको ये आपने बहुत यूज़ कर लिया, ठीक है, और यूज़ करने के बाद ये डाउन हो गया थोड़ा सा और ये चार्ज हो रहा है, तो अगर आप दोनों के दोनों इसमें रखते हो और आप चार्जिंग ऑन कर देते हो, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कौन सा चार्ज है, तो जो भी चार्ज हो जाता है उसका लाइट ये बंद हो जाता है और एक ही साइड का रेड लाइट ऑन होता है, ठीक है। तो अभी तो दोनों चार्ज है, इसलिए दोनों के दोनों दिखा रहा है रेड लाइट। तो अभी इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो साउंड क्वालिटी इसकी एकदम ज़बरदस्त है। तो अगर आपको इसे कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना होता है, इसे बस इस डिवाइस से निकालना होता है। डिवाइस में से निकाला तो बाद में इसमें ये जो लाइट चमक रही है, तो इससे आपको समझ में आता है कि ये डिवाइस जो है ये कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो अभी मेरे हाथ में है ये है लेफ्ट ईयरबड, और सिमिलरली ये जो है मेरे हाथ में है ये राइट ईयरबड है। तो अगर ये चालू नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, इसे बस ऐसे प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद ये बताएगा कि डिवाइस ऑन हो चुका है एंड पेट्रॉन बेसबर्ड आर रेडी टू कनेक्ट। तो इसे आपको बस आपके मोबाइल पे जाना है, ब्लूटूथ में ब्लूटूथ ऑन करना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसकी कनेक्टिविटी एकदम आसान सी है। अभी मैं इसके मैनुअल के अंदर जो दिया है वो आपको बताता हूँ, और जितना मुझे पता है। तो हमें करना क्या होता है, देखिए, तो यहाँ पे भी इन्होंने दे के रखा है। अगर आपको फ़ोन आ जाता है तो आपको फ़ोन रिसीव करना एकदम आसान सा होता है। जैसे भी फ़ोन आता है आपको बस इस बटन को प्रेस करना है, और जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हो आपका कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। एंड अदर थिंग इज, अगर आपको गाना चेंज करना है तो आपको इसी बटन को ऐसा प्रेस करके रखना है, मतलब 1-2 सेकंड के लिए इसे प्रेस करके रखिए, तो आपका सॉन्ग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और गाने को अब आपको गाना प्ले और पॉज करना है, तो आपको इसे बस एक ही बार बटन दबाना है एंड आप गाने को प्ले पॉज कर सकते हो। तो हे गाइस, अभी इस ईयरबड्स को मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो देखो, एकदम आसान सा है, ये जो है राइट है, ये लेफ्ट है। तो ये लेफ्ट वाला मैं लेफ्ट ईयर में लगाऊंगा। देखो, एकदम इजीली और एकदम कंफर्टेबली आपके ईयर में फिट हो जाता है। वैसे ही ये राइट वाला ईयरबड, तो देखो दोनों के दोनों एकदम फिट हो गए इस तरह से। तो इसका सबसे बढ़िया ये जो है, मतलब बेनिफिट जो है, अगर आप हेलमेट पहनते हो तो परफेक्टली आ जाता है। वही अगर आपके पास अगर कोई दूसरे हेडफोन से, तो क्या प्रॉब्लम होता है कि हेडफोन्स बाहर आते हैं और हेलमेट आपको मतलब थोड़ा तंग करता है, ऐसा
मतलब आपको बताया वो परेशानी क्या होती है, तो वो परेशान होता है, तो ये क्या है, ये परफेक्टली ईयर को अच्छी तरह से कवर कर लेता है, तो इससे हमें परेशानी कुछ नहीं होती। अभी बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी यार एकदम अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। नॉइस कैंसलेशन जो इसका है वो तो एकदम सही है। आपने अगर इसे पहना, आपको वॉल्यूम अराउंड अगर 75% है 85% के अंदर होगा ना, तो भी आपको बाहर का कुछ सुनाई नहीं देने वाला, और अगर 100% पे है तो बात ही नहीं आती, लेकिन 75-80% पे भी आपको वॉल्यूम तो एकदम सही से सुनाई देगा और साउंड क्वालिटी बहुत सही है। एंड अभी इसकी सच में बात करते हैं, मैंने जो यूज़ किया उस हिसाब से अगर आप इसे बस कॉलिंग के लिए यूज़ करते हो तो कॉलिंग में ये आपको आराम से जा सकता है 3.5 से 4 घंटा, तो भी आराम से जाता है। ये एक ईयरबड की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अगर ये मैं एक लेके जाता हूँ तो इससे मैं 3 से 3.5 घंटा बात कर सकता हूँ, और फिर बाद में इसमें से, क्योंकि हम दोनों तो एक साथ नहीं लगाते। अगर मैं गाड़ी पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं किसी एक का यूज़ करता हूँ, क्योंकि दूसरे कान आपको खुला रखना होता है, क्योंकि आजू बाजू का भी आपको समझ में आना चाहिए। तो बात करने के लिए एकदम ईजी है। इसमें से आप दोनों ईयरबड्स के अंदर जो है इन्होंने माइक दिया है, तो ये सबसे अच्छा मुझे खास क्वालिटी लगी इसकी, और ऑन टॉप ऑफ दैट इसके अंदर का साउंड क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी जो लिंक्स होगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी जो सेल चल रहा था तो सेल में मुझे आया 999 में, तो वैसे तो इसकी लिंक नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लिंक से देख लो। अगर प्राइस थोड़ी भी बढ़ती है तो भी चलो ठीक है, आप ले सकते हो, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी एक नंबर है। तो हाँ, देख लो आप एक बार प्रोडक्ट, देख लो, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी। और बस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपको मिलता हूँ एक अगले टेक वीडियो में। बाय बाय।